मैं चांदना और आप देख रहे हैं स्टार 24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज के खास समाचारों की तरफ। मंदसौर में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान की तैयारियां। कल दिनांक 13 मई 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान करवाने के लिए दल ईवीएम मशीनें लेकर रवाना हुए। दरअसल आपको बता दें कि कल दिनांक 13 मई 2023 को लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी को लेकर मंदसौर जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव के मार्गदर्शन में आज सुबह मंदसौर के शासकीय राजीव गांधी स्नातक महाविद्यालय परिसर में शासकीय कर्मचारी पहुंचे और निर्धारित स्थान पर ईवीएम मशीन लेकर मतदान केंद्र पर रवाना हुए। वहीं मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने बताया कि मंदसौर जिले में कुल 1137 मतदान केंद्र है, जिस पर सुरक्षा की दृष्टि से 4200 से अधिक पुलिस फोर्स लगाया गया है। जिला कलेक्टर के आदेश पर हम लोगों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी बनाया गया, जो कई स्थानों पर निगरानी करेंगे, जिससे जिले भर में शांतिप्रिय तरीके से मतदान संपन्न हो। साथ ही अनुराग सुजानिया ने चेतावनी देते हुए भी कहा कि कुछ लोग चोरी छुपे मोबाइल मतदान केंद्र पर ले जाते हैं और रील बनाकर वायरल करते हैं। यदि कोई ऐसा करते पाया गया तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। दूसरी ओर सभी मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील की गई। कल 13 तारीख को मतदान होना है लोकसभा क्षेत्र के लिए, उसके लिए आज हमारे जो चारों जिले के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। सुबह सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज और अलग कैंडिडेट्स के उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग रूम खोला गया है और अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया है। सभी पोलिंग पार्टीज आ गई हैं, सभी बिल्कुल जोश में हैं और हम एक्सपेक्ट करें कि सुबह 10-11 बजे के आसपास पूरा हमारा डिस्पैच का काम हो जाएगा और पोलिंग पार्टीज पहुंच जाएगी वहां पर। हमने सभी बूथ पे अच्छी व्यवस्थाएं की है, रुकने की अच्छी व्यवस्थाएं पोलिंग पार्टीज की, और जो मतदाता आएंगे उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था की है। आप सब लोगों के माध्यम से मेरी एक अपील भी है कि मंदसौर जिले के जितने मतदाता हैं वो सभी कल मतदान करने आए, उनके लिए हमने मौसम को देखते हुए सभी जगह अच्छी व्यवस्थाएं कराई है। सभी जगह पर्याप्त शेड की व्यवस्था की है, जिसे छाया और जगह पर प्रॉपर तरीके से ठंडे पानी की व्यवस्था कराई है। कुछ कुछ जगह हमने छा चाम पन्ना इस टाइप की व्यवस्थाएं भी कराई है और बेसिक फर्नीचर हो गया हमारे बैठने के लिए, उनके बाहर भी अगर वेटिंग है तो वहाँ भी कुछ कुछ जगह हमने फर्नीचर वगैरह रखवाया है, वेटिंग एरिया अच्छा बनाया है। और अगर कोई पीडब्ल्यूडी मतदाता है उनके लिए व्हील चेयर बनवाई है, कोई अगर 85 प्लस के मतदाता आते हैं तो उनके लिए असिस्टेंस के लिए भी हमने हमारे जो वॉलेंटियर्स को रखा है वहाँ पे। तो एक अपील मैं करूँगा मतदाताओं से कि एक ये त्यौहार है, इसमें सभी लोग आगे आए मतदान करने के लिए। और एक और ज़रूर बात का ध्यान रखें कि अपनी मतदाता पर्ची के साथ में किसी भी एक आईडी को जरूर लेके आए साथ में। अगर वोटर आईडी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वोटर आईडी नहीं भी है तो जो भी 12 डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से किसी को एक लेके जरूर आए और मतदान अवश्य करें। तो कितने पोलिंग स्टेशन बनाए, कितने क्रिटिकल हैं, कितने पिंक हैं सर, क्या 1137 पोलिंग स्टेशन हैं और उन सभी पे हमने अच्छी व्यवस्थाएं की है। पिंक वाला हमने अभी दो तरीके से रखा है, एक प्योरली पिंक रखे हैं और कुछ मतदान केंद्र हमने वो भी रखे हैं जो मिक्स वाले हैं, जिनमें दो महिलाएं दो पुरुष हैं। तो ऑलमोस्ट हमने ट्राई किया है कि 40-50% के आसपास हमने मिक्स वाला किया है। कितने मतदाता जो है कल अपने मत का दे? 10 लाख प्लस मतदाता है मंदसौर जिले में। तो एक्सपेक्टेशन मैं यही करूंगा कि सभी लोग आए मतदान करने और क्योंकि अच्छा परसेंटेज एक रहता है मंदसौर में, तो उसी को अपन कंटिन्यू करते हुए एक अच्छा मतदान परसेंटेज इस बार भी अपना रहे। तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम? हमारी तीनों सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, एक हमने SPOs लगाए हैं मतदान बूथ के बाहर, उसके अलावा आर्म्ड फोर्स है जो हमारी स्टेट पुलिस की होती है, देन हमारी CAPF भी है। तो तीनों एक सिक्योरिटी के लिए पूरा अरेंजमेंट रहा है, प्लस उसके अलावा 50% बूथ पे CCTV कैमराज हैं, तो वेबकास्टिंग के तहत हम उनकी निगरानी करेंगे, कंट्रोल हमारा इसमें डाइट में बना है। प्लस 25% बूथ पे हमने बाहर भी कैमरे लगाए हैं, तो बाहर की लाइंस वगैरह देखने के लिए और बाकी अरेंजमेंट देखने के लिए, तो वेबकास्टिंग के माध्यम से भी हमने मैक्सिमम बूथ कवर करने का प्रयास किया है। एक कहना चाहूँगा कि टोटल मंदसौर जिले में 1137 मतदान केंद्र हैं, तो इनके लिए हम लोगों को हमने जो डिमांड रेज करी थी फोर्स की, उसके अनुसार हम लोगों को 7 CPF की कंपनीज मिली हैं हम लोगों को। इसके अलावा 1000 से ज़्यादा का होमगार्ड मिला है दूसरे राज्य से, जिला बल भी मिला है हमें और साथ साथ हमारा जो जिला बल था वो भी है। फिर अभी हमारी जो आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमने कलेक्टर महोदय के आदेश से कुछ लोगों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी बनाया है, तो टोटल इस हिसाब से देखें तो करीब 4200 से अधिक का फोर्स हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था में लगाया है।
इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मतदान केंद्रों पे बल लगा हुआ है उसके अलावा हम लोगों की कई सेक्टर मोबाइल भी चलेंगे, उनकी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स भी रहेंगे और नाकों पे भी चेकिंग चलेगी हम लोगों की। तो इस तरीके से हम लोग चाह रहे हैं कि मतदान जो है शांतिपूर्वक तरीके से हो। आपके माध्यम से सभी मंदसौर वासियों से भी जितने भी वोट हैं सबसे अपील करूंगा कि अधिक से अधिक मतदान करने आए और शांतिपूर्वक और नियम अनुसार मतदान करें। एक विशेष पॉइंट है जो आपके माध्यम से कम्युनिकेट करना चाहूंगा कि कुछ लोगों में प्रवृत्ति देखी जा रही है कि वो जबरदस्ती चोरी छुपे मोबाइल लेकर अंदर जाते हैं मतदान केंद्र में और रील बनाकर डालने का प्रसारित करने का उनका है। मैं इसमें सभी को आगाह करना चाहूंगा कि ये गैरकानूनी गतिविधि है, जो भी ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ सेंसिटिव पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं? देखिए कुछ चिन्हित किए गए हैं जो पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है आपसे शेयर नहीं कर सकते हम लोग, बट वहाँ हम लोगों ने जो पुराना मतदान का पैटर्न रहा है वहाँ पे या फिर पुराने कोई विवाद रहे हैं या कानून व्यवस्था की दृष्टि से कोई इम्पोर्टेंट ग्रामीण क्षेत्र हैं या शहरी क्षेत्र हैं या जहाँ पे ज़्यादा मतदाताओं का आगमन होना है तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सेंसिटिव बनाया है, हम लोगों ने हाइपर सेंसिटिव, और उसमें हम लोगों ने वहाँ पे CPF का भी डिप्लॉयमेंट किया। टोटल बल कितना है? टोटल हमने इस पूरी प्रक्रिया में, चुनाव की प्रक्रिया में, करीब 4200 से ज़्यादा का हम लोगों ने बल लगाया है। आपसे मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मेरी अपील यही है कि लोकसभा चुनाव है और आपका हर एक का मतदान जो है, हर एक का वोट है, वो महत्वपूर्ण रहता है। विगत चुनावों के हमें परिणाम ने देखा है कि एक एक वोट से हार जीत का फैसला होता है। तो कोई ये ना माने कि हार जीत 50,000 1,00,000 से होती है, उसमें मेरे वोट का क्या मूल्य है। सभी लोग अपने मतदान का अधिकार का उपयोग करने आए, ज्यादा से ज्यादा बढ़कर